श्रीमान बालसुब्रमण्यम जी को विशेष बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि 50 साल की संगीत साधना की यात्रा सरल नहीं होती है और आज के युग में इतने लंबे अरसे तक लोकप्रियता बनाए रखना सर्वाधिक कठिन होता है। और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपनी साधना को उन्होंने स्वच्छता के लिए समर्पित किया, देश में स्वच्छता का आंदोलन जगाने के लिए अपना योगदान दिया। और मुझे बता रहे थे कि मेरी कोशिश है कि मैं इसे हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में करूंगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में त्योहारों की बड़ी विशेषता रहती है। हम वो लोग हैं जिन्होंने जीवन को कैलेंडर में नहीं बांधा है। शायद विश्व में हम ही एक ऐसा समाज है कि जिसमें जीवन रचना पूरी तरह प्राकृति के साथ जुड़ी हुई नहीं है। सूर्य चंद्र की गति के साथ जुड़ी हुई नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ जो भी बातें होती थी, जो भी त्योहार मनाए जाते थे सदियों से, वे प्राकृतिक परिवर्तन के साथ जुड़े हुए रहते थे। हमारे देश में पहले कभी छुट्टियां संडे को नहीं रहती थी, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या को रहती थी। यानी जीवन का क्रम भी सूर्य चंद्र की गति के साथ जुड़ा रहता था। हमारे यहाँ त्योहार भी किसान फसल जब काटने के बाद का अवसर होता तो तब आते थे, या किसान फसल बोने जाता था तब आते थे। यानी त्योहार भी हमारे जीवन में हमारी आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए रहते थे, वैज्ञानिक तौर तरीके भी उसमें रहते थे। विज्ञान कहता है कि मौसम ऐसा होता है कि जब आहार में स्निग्धता चाहिए, कुछ न कुछ ऑयली चीजें चाहिए, और मकर संक्रांति का जो प्रसाद जितने भी प्रकार के हैं, शुभकामनाएं, अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो गए तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, तो सारे प्रसार की जो चीजें हैं उसका क्रम और पसंदगी, वो भी किस समय प्रकृति से क्या जुड़ेगा उस पर रहती है। जो लोग उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की परंपरा को जानते होंगे उनको पता होगा कि भगवान जगन्नाथ जी को भी एक समय ऐसा आता है जब काढ़ा पिलाया जाता है, बाकी आहार बंद होता है, क्योंकि उस समय प्राकृतिक वातावरण ऐसा होता है कि स्वास्थ्य खराब होता है। तो एक प्रकार से लोगों को भी सिंबॉलिक सुझाव दिया जाता है कि इस समय इन इन चीजों को लेना चाहिए। यानी पूरी जीवन यात्रा, पूरी जीवन रचना प्रकृति के साथ हमें निकट ले जाने वाली रहती थी, प्रतिपल प्रकृति का स्मरण कराने वाली रहती थी। और आज फिर से एक बार दुनिया को भी प्रकृति की चिंता सता रही है। विश्व अपने अपने तरीके से जागरूक हुआ है प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना, जीवन को प्रकृति के साथ कैसे संतुलित करना, ये विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है। और इन दिनों COP21 में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है,
उसमें एक भारतीय जीवन दर्शन की सुगंध उसमें है, क्योंकि उसमें अगर विश्व को पर्यावरण मुश्किलों से बचाना है तो विश्व को प्रकृति के साथ नाता जोड़ करके चलने वाली लाइफस्टाइल को स्वीकार करना होगा। इस ये संदेश है उसमें। हम लोग सदियों से उस परंपरा से पले बड़े हैं, इसलिए हमें ध्यान नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक नजर से देखे और लिखे तो ध्यान में आता है इतना सोचा होगा हमारे पूर्वजों ने। तो मकर संक्रांति भी सूर्य की उस गति के साथ जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के बाद दिन के समय में बढ़ोतरी होती है, सूर्य अधिक तापमान तेजस्विता देता है, तो ऐसे मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन में मैं अधिक तेजस्विता दे, यही बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मित्रों, मैं प्रधानमंत्री जी को छोड़ के आऊंगा, कार्यक्रम जारी रहेगा, बालसुब्रमण्यम जी का भाषण भी है और